बोलो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब। मतलब ये बता रहे हैं कि एशिया का सेकंड मतलब जो डेंसिटी वाला जंगल है ये वाला है। हिमाचल की फेमस डिश है कि कोई भाई कुफर की हवा इतनी ठंडी है ना जैसा। हाँ जी कहना लगना सोलन का बस स्टैंड तो ये है जनाब सोलन की मार्केट और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है भाई। तो भाई हम सोलन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो यार सोलन में कोई मतलब जगह तो थी नहीं वहाँ पे तो हमने क्या थोड़ा आगे आके अभी शिमला यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दिखा रहा है तो हमने नाश्ता वगैरह अब यहीं पे कर रहे हैं बीच में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा व्यू भी है और वहाँ पे मतलब जाम वगैरह ज़्यादा लग रखा था मेन मार्केट में। टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने वाली हैं और हमें मेन जो हमारा आज का है वो जाना है हमें कुफरी तो शिमला के आसपास है। इस्टे का देखते हैं कहाँ करते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे जाने वाले भी लोग हैं। तो सोलन के आसपास की जगह है ना भाई सोलन क्या मार्केट है मतलब इतनी प्यारी मार्केट इतनी खूबसूरत ना। शिमला है दोस्तों सामने वहाँ पे लेकिन ना यहाँ बहुत सारा जाम लग रखा है ये देखो। तो हम दूसरा रूट ले रहे हैं अभी यहाँ से बाईपास वाला सोगी बाईपास वाला जाम देखो भाई यहाँ कितना। तो ये हमारा पहला रिसोर्स मिला है जो है पानी का यहाँ पे। तो ये ना पानी बहुत ही चिल्ड है और ये पीने में मज़ा आएगा ये मतलब बिस्लेरी में वो मज़ा नहीं है जो इसमें आप। तो ये देखो यहाँ पे एक बोतल तो भर लीजिए एक और भर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हनुमान जी भी रखे हुए हैं यहाँ पे देखो और बहुत चिल्ड पानी भाई। अभी भाई एक कैफ़े में रुके थे और यहाँ से ना शिमला का व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है अभी और ये सामने का अगर पेड़ नहीं होता ना और भी अच्छा व्यू आना था। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं उसके बाद निकलते हैं सीधा कुफरी के लिए। ये हिमाचल वाली मेन रोड से नहीं आए हम तो ये बैक साइड में पड़ता है। बाकी यहाँ पर होम स्टे आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे और हमें जाना है कुफरी और सामने का व्यू भी एक बार दिखा देता हूँ यार देखो भाई। ये वाले मकान देखो भाई ये शिमला के कुछ बिल्डिंग है जो मतलब बिल्कुल एकदम से खतरनाक पहाड़ों पे बन रखे हैं। एलिवेशन पानी का लोटा गिरेगा तो सीधा नीचे आएगा। भाई शिमला से थोड़ा आगे निकलते ही ये यहाँ पे है ग्रीन वैली पॉइंट मतलब ये बता रहे हैं कि एशिया का सेकंड मतलब जो डेंसिटी वाला जंगल है ये वाला है। कुफरी जाते टाइम ना ये फर्स्ट पॉइंट मिलेगा मतलब जहाँ आपको बढ़िया नज़ारे मिल सकते हैं। पहला ही पॉइंट है शिमला को थोड़ा क्रॉस करते ही आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा और ये वाकई में ना बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है। यहाँ से जाते टाइम आपको राइट में दिख जाएगा ये पूरा बहुत डेंस जंगल है खूबसूरत नज़ारे हैं भाई यहाँ पे। अभी देख करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइनोकुलर वगैरह लगे हुए हैं तो आप इनसे भी देख सकते हैं भाई। सामने देखो भाई याक नज़दीक से दिखाते हैं ये फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे अभी सब पास से दिखाते हैं देखो। ओ भाई ये डर रहे देखो याक। ओ भाई तो भाई जी आपका नाम क्या होगा? राहुल। राहुल राहुल क्या चार्ज होता है इनका? 50 रुपीज़ पर। उसमें ड्रेस भी है? ड्रेस नहीं उसमें जैसे हमारे कैमरे से बनाते हो हाँ तो 50 का फोटो रहता है। अच्छा और जैसे अपने फोन से बनाते हो 50 रुपीज़ पर। 50 रुपीज़ पर। उसमें ड्रेस नहीं लगा? ड्रेस नहीं दोगे आप? ड्रेस का अलग चार्ज रहता है। कितना होता है? ड्रेस का खाली लेना है ना। हाँ जी खाली ड्रेस लेनी है तो 150 रहता है। अच्छा खाली ड्रेस है? ड्रेस तो भाई 150 रुपये भाई बता रहे हैं कि मतलब कपड़ों का चार्ज है और बाकी 50 रुपीज़ अगर आप अपने फ़ोन से या कैमरे से लेना चाहते हैं और उन 150 रुपये उनके उससे लेना चाहते हैं अगर। लेकिन बोल रहे हैं कि इनके ऊपर बैठ के ना ड्रेस फोल्ड हो जाती है तो क्या करते हैं बेटर की साइड में खींचाते हैं फोटो। यहाँ की जगह का नाम क्या है भाई? सरावड़ा। सरावड़ा 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 छावड़ा छावड़ा नहीं छरावड़ा
छरावड़ा। हाँ छरावड़ा, तो बहुत टफ हो रहा है बोलने में यार। कुफरी कितना होगा? 2-2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से भाई कुफरी से 2-2.5 किलोमीटर पहले आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं भाई के यहाँ से, या आपके साथ फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं और वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। थैंक यू भाई। हाँ जी कहना लगना यहाँ पे कुफरी पहुँच गया हम। यह है कुफरी का पॉइंट। कुफरी यहाँ से देख लो, आप देख सकते हो एक तो यहाँ पे चैल की तरफ जा रहा है, एक कियोंग रामपुर की तरफ रोड जा रही है, और नीचे जाओगे तो ये वाला शिमला वाला रोड है। तो ये है कुफरी, यहाँ से 0 किलोमीटर शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे एडवेंचर है भाई। कुफरी की हवा इतनी ठंडी है ना, जैसे अप्रैल का सीजन है, लेकिन यहाँ पे जब खड़े हो जाओ ना इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब यार अपने गाँव की याद आ रही है हम बहुत ज़्यादा। प्लस यहाँ पे होम स्टे वगैरह बहुत ही प्यार है और यहाँ पे एप्पल की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो होम स्टे एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होम स्टे है यहाँ पे। ये सामने देख लो होम स्टे हैं ये, और ये है एप्पल की खेती कर रखी है यहाँ पे पूरे। देखो ये देखो सामने का व्यू, क्या शानदार व्यू है। हम तैयार कर रहे हैं भाई फोटो खिंचवाने के लिए इनके साथ, लेकिन अब तैयार ही नहीं हो रहे। देखो बताओ तो वहाँ को देखो, बस कुछ नहीं कर रहे। तो अभी हैं हम कुफरी में और टाइम हो रहा है भाई 6 बज रही हैं। तो यहाँ पे ना हमारे गांव का एक चाचा जी रहते हैं, मतलब दोस्त ही बोलते हैं यार हम घर में, तो काफ़ी क्लोज थे। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि भाई चलो घूमने चलते हैं, कहीं यहीं पे रहते हैं। तो संपर्क हुआ तो ये यहाँ पढ़ाते हैं भाई, ये यूनिवर्सिटी यहाँ की होटल मैनेजमेंट की। तो अभी यहाँ से कहीं आसपास घुमाने ले जा रहे हैं, तो देखते हैं फिर कहाँ कहाँ घुमाते हैं हमारे भाई। कुफरी से 2-3 किलोमीटर ऊपर आने पर यहाँ पर ना एक जू है, तो ये विजिट करते हैं। अभी जू विजिट करना है हमें, उसके बाद देखते हैं जो हमारे साथ हैं ना चाचा जी, उन्हें पूछूंगा यहाँ पे और क्या क्या घूमने के लिए। तो फिलहाल ये घूमते हैं पहले अंदर। मैं अंदर स्टार्टिंग में ये दिखा रखा है सारा, बाकी अभी पार्क में चलते हैं, पार्क में देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। देखो ये भी नेचुरल ही लग रहे हैं। बस वे काकड़ देखेंगे भाई का जब तक रेंज के थोड़ा बनाना। तो भाई जिनके आज हमारा स्टे है ना आज, ये हमारे चाचा जी हैं गाँव के, जो यहाँ IHM में है ना वो पढ़ाते हैं भाई, तो ये टीचर हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इनके घर में आज स्टे कर रहे हैं हम लोग, मतलब अच्छा लग रहा है। एक तो वो मैं दिखा दूंगा आपको, कॉलेज तो बहुत प्यारा है भाई, बाकी घुमाने ला रहे हैं। बिल्कुल कॉलेज विजिट करेंगे अभी घूमने के बाद यहाँ से, और बताइएगा कैसा लगा यहाँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार। कहाँ है बालू? वेल कितना खतरनाक आवाज़ आ रही, सुनो भाई दिख नहीं रहा लेकिन जो आवाज़ है ना उसकी खतरनाक आ रही। अंदर ही होगा कहीं, पता नहीं चल रहा, दिखा नहीं होगा तो कुछ दिखे नहीं, यहाँ से अंदर से ही आवाज़ लगा रहा हूँ भाई। घर जाओ बस, और तो कुछ दिखा नहीं। बाकी यहाँ है काफ़ी अच्छा, लेकिन वही है कि कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं यहाँ पे, है कहीं अंदर ऊपर नहीं चलता आपको। बाकी यार वहाँ तो कुछ था नहीं, लेकिन इस साइड से ये वाली जगह बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन लेट हो गए, नहीं तो सनसेट दिखा था आपको भी। ये वाला पॉइंट है थोड़ा सही, यहाँ पे आप लोग आके आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। वाव यार नहीं, ये किसके लिए यहाँ पे, ये हॉल में ना यहाँ पे ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है ना। अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। अच्छा, तो ये लोग नीचे से सवारी बैठाते हैं। कितने रुपए चार्ज होता है इनका लगभग? ये लोग यार 500 के आसपास लेते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन सीजन भी ले सकते हैं यार। हद से ज्यादा है यार इधर तो है भाई, यदि केल लेने लगे यार घोड़ों घोड़ों। अब ये है हिमाचल की फेमस डिश है एक, कोई और ये सिड्डू, सिड्डू सिड्डू है भाई ये सिड्डू। ये किस चीज का बना होता है भाई जी? ये सर जी गेहूं का आटा, मिल वाला आटा। अच्छा, मिल्ट करने के लिए रखते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे इसमें यीस्ट डाल के इसको जैसे ब्रेड फुलाते हैं। अच्छा, आटा के लिए। और इसके अंदर क्या भरा होता है? जो अंदर की नमकीन में, नमकीन वाला और मीठे वाला दोनों बनाते हैं हम। अच्छा, जो नमकीन वाला रहता है इसमें पोस्त दाना खसखस डालते हैं, खसखस खसखस वगैरह मिक्स करते हैं। अच्छा, और मीठे वाले में खसखस भंजीरी तिल देसी शक्कर कोकोनट पाउडर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू जी भाई, यूँ तो लगी भूख। अब हम खाना, बाकी टेस्ट आपको बताते हैं भाई खाने के बाद। टेस्ट बताते हैं, वैसे कई सारी चीज़ें पड़ी हैं साइड इसमें, तो टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये भाई मीठा भाग, क्या बोला था यार? सिड्डू, सिड्डू सिड्डू, मीठा सिड्डू। और ये है नमकीन वाला सिड्डू। तो ये तो मैंने ट्राई कर लिया, अच्छा है, लेकिन ये ट्राई करता हूँ ठीक है।
गुड मॉर्निंग जनाब, यहाँ रुके थे भाई कल हम। देखो यहाँ से सनराइज़ कितना प्यारा खूबसूरत से लग रहा है। और ये थी भाई की यूनिवर्सिटी, तो यहाँ भाई पढ़ाता है। तो अभी देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब गोल्डन गोल्डन कलर का जब ये यहाँ से सनराइज़ हो रहा है। कल बता रहा मैं चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना जो, तो उसी के अंदर हम अभी प्रवेश कर चुके हैं। और इस तरह से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू, बहुत ही अल्टीमेट है। और ये ना पूरा रिजर्व है, इसलिए यहाँ पे कोई गंदगी वगैरह करते नहीं है। और ऐसा भी है कि यहाँ पे अलाउ भी नहीं है वैसे आना। सबसे पीक पॉइंट यही है देखो, इधर से भी और यहाँ से। तो ये यहाँ शिमला में जो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना भाई, ये मतलब बहुत ही बड़ी है भाई। मतलब 110 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर कर रखा है। और ऑलमोस्ट ये ना सोलन तक जा रहा है इसका जो एरिया है। तो वो ना इसी का एक पार्ट है जो डेंस फॉरेस्ट बना रहा है। पर ये बहुत ही अल्टीमेट है। यहाँ पर जो है सांभर, लेपर्ड और बहुत सारी चीज़ें थी भाई, बहुत जो वहाँ पर ना, लेकिन हमें दिखी नहीं हो क्योंकि हम रात को पहुँचे वहाँ पे। तो रात को अंदर मतलब अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुके थे, लेकिन जब वो मतलब रोर कर रहा था ना भाई, वो बहुत ख़तरनाक था। फिलहाल ये है एक यूनिवर्सिटी का पॉइंट, यहाँ से हम आए थे अभी ऊपर। वाओ ये भाई यहाँ के, चलो 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 थे चलो थे चलो चलो चला जिमी। अगर मैं यहाँ पे घूमने की बात करूँ भाई, तो कुफरी से लगभग 2 किलोमीटर के आगे एक ट्रेल स्टार्ट होता है जो है महासु देवता का। वहाँ पे एक एडवेंचर रिजॉर्ट भी है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं भाई। बहुत सुकून है यहाँ पे। सामने महासु का जो मैं अभी बात कर रहा था, वो वाला ट्रेल है। लगभग मेन रोड से 1 किलोमीटर ऊपर आ गया हमारे लिए प्लेट, क्या बना रहे हैं परांठे, सिड्डू। इन्होंने एक सिड्डू खिलाया कल, वो ना मतलब हाथ से ज़्यादा हो गया था भाई। तो अभी परांठे बना रहे हैं और चाय के साथ परांठे खाएंगे, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। धन्यवाद जी आपकी बहुत बहुत हॉस्पिटैलिटी के लिए। ठीक है चाचा। तो ये थे भाई यहाँ पे ना, हमने जिनके यहाँ पे स्टे किया था, चाचा लोग हमारे गांव के। तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही इन लोगों की फ्री में। तो हमने नहीं तो भाई मतलब हमें मतलब 2-3 हज़ार रुपये एक्सपेंस हो जा रहा था हमारा, लेकिन इनकी वजह से हमारा यहाँ पर प्लस यहाँ पे ना व्यू भी इतने सारे थे और घूम भी काफ़ी जगह लिए हम, है ना डुगू बोलो। हिमाचल के पहाड़, मुझे लगता था मतलब पहाड़ी तो है क्या है, लेकिन यार यहाँ के पहाड़ थोड़ा अलग है। प्लस यहाँ का डेवलपमेंट भी बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ देखो ना आप लोग, बहुत ही प्यारी प्यारी रोडें हैं यार, मतलब इतने अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे। रोड इतने स्पेस छोड़ रखा है और तब भी देखो रोड 4-4 लेन भी है भाई। सोलन में तो मतलब अल्टीमेट है। तो सोलन से थोड़ा आगे चलेंगे ना आप लोग, ये वाला व्यू पॉइंट आता है एक यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, मस्त। Continue straight onto National Highway 7. The front camera dekhe. Oh.